हाय गाइस, मैं हूँ शेफ शिवा। सो टुडे आई एम गोइंग टू शो यू हाउ टू मेक साउथेड वेजिटेबल, यानी कि ब्लंच वेजिटेबल्स। सो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप यू गाइस डूइंग वेल, एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बिफोर यू वॉच। लेट्स सी। सो आई हैव सम ग्रीन वेजिटेबल्स एंड लाइक ए ब्रोकली, फ्रेंच बीन्स, कॉलीफ्लावर एंड कैरेट्स एंड बेबी मैरो। So today I'm going to make salted vegetable. So you can see, let's enjoy. So सबसे पहले मैं करूँगा इनको वॉश, और उसके बाद करूँगा मैं कटिंग। तो आप कटिंग भी देख सकते हैं, बीन्स को मैं काटूँगा फिंगर कटिंग में, और वन बाय वन करके आप कटिंग कर सकते हैं, और वन बाय वन करके आप ब्लांच भी कर सकते हैं। इसको कटिंग के बाद आप ब्लांच एक साथ भी कर सकते हैं, जैसा आपको चाहिए, जितना क्वांटिटी में आपको चाहिए वो कर सकते हैं। तो वीडियो में बने रहें, आगे देखिए, और सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बीन्स देख सकते हैं मैंने फिंगर कट में किया है, और ये बेबी मैरो जो है मैं वो डाइस कट में करूँगा। डाइस इसको बेबी मैरो को ना थोड़ा हल्का सा मोटा पीस करिए, क्योंकि ये जल्दी कुक होता है। अगर आप इसको पतला कट करेंगे तो ये जल्दी मैश हो जाएगा। और कैरेट को आप फिंगर कट भी कर सकते हैं, और पतला कटिंग में डाइस कटिंग भी कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने किस तरीके से कटिंग की, ब्रोकली, कैरेट्स एंड कॉलीफ्लावर। आप चाहे तो साउथ वेजिटेबल में इंग्लिश वेजिटेबल भी ऐड कर सकते हैं, और सारे बहुत सारे वेजिटेबल हैं वो भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि स्वीट कॉर्न है, मशरूम है, कैबेज है, चाइनीज़ कैबेज है, और ऑलिव्स हैं, और ग्रीन, येलो, रेड कैप्सिकम है, यानी कि ग्रीन पेपर, येलो पेपर, और जो भी आपके पास वेजिटेबल है, फ्रेश वेजिटेबल, वो आप ऐड कर सकते हैं। लेकिन उसका भी एक मेथड होता है, क्योंकि जैसा आपके पास ग्रीन लीव्स, कुछ लीव्स टाइप का है, तो आप उसको सिर्फ वॉश करके रखें, जब आप बनाएंगे उस समय ऐड कर सकते हैं। तो आपके पास जो भी वेजिटेबल है आप उसको ब्लांच करके खा सकते हैं, या कच्चा भी खा सकते हैं, जैसा आपको अच्छे लगे, नो प्रॉब्लम। देखेंगे आप, मैंने अभी कटिंग पूरी कर दी, ब्रोकली काट दी मैंने। ब्रोकली को आप थोड़ा, जो स्टिक होता है उसको थोड़ा लंबा रखें, ताकि वो टूटे ना, और ज़्यादा इसको ब्लांच भी नहीं करना है, लाइट ब्लांच करना है। और आप चाहे तो इसको सेपरेट सेपरेट भी ब्लांच कर सकते हैं, मैंने तो एक साथ ब्लांच किया, क्योंकि मुझे सब एक साथ यूज करना है इसको, और ज़्यादा नहीं, उसको उबलते हुए पानी में कम से कम 6-7 मिनट आप डाल दें, इसको हल्के से पकाएं एंड रिमूव कर दें, क्योंकि ज़्यादा कुक करेगा तो मैश हो जाएगा, फिर मज़ा नहीं आएगा। और इसको बनाने के टाइम में आप चॉप गार्लिक डालें, उसके बाद वेजिटेबल डालें, या कोई फ्रेश हर्ब्स है आपके पास, लाइक थाइम, रोजमेरी, वो भी डाल दें। आप ऑनियन भी ऐड कर सकते हैं इसमें। और जब आपका रेडी हो जाएगा, उसके बाद टॉपिंग में आप ये रेड येलो कैप्सिकम को आप सौते कर सकते हैं। सौते करने के बाद इसमें थोड़ा सॉल्ट पेपर डाल दें, और उसको गार्निश में डाल सकते हैं। तो मैंने इसमें ऐड किया है चेरी टमाटो, किया मैंने ऐड सन ड्राई टमाटो, ऐड किया है ऑलिव्स, ऐड किया है, और रेड येलो कैप्सिकम। को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड दिस इज़ वेरी हेल्थी फूड, यू कैन ट्राई।